हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। अगर हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपने 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट जो है वो जारी कर दी है। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों वो अपडेट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने स्कूल लॉग इन किया है। स्कूल लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करते हैं, तो एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक रेगुलर टर्म टू एडमिट कार्ड, सीनियर सेकेंडरी रेगुलर टर्म टू एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, सेशन 21-22 के लिए टर्म टू एग्जामिनेशन जो कि 10th और 12th के होने वाले हैं उनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी के, तो सीनियर सेकेंडरी के एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन की, तो मैट्रिक के भी एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आप अपने एडमिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी कि 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड अब जो जारी हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, जो भी बड़ी अपडेट निकल के आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही।